कारण की सीगा उस केस नू खारिज कराऊंगा क्योंकि कैप्टन साहब देखो इस हाउस के बीच बैठने के काबिल नहीं है। उस व्यक्ति ने उस अफसर ने एक भी केस डायरी नहीं लिखी है, जेकर लिखी हो तो इतने ले आकर रख दिया जाए कि पंजाब एक सिख बहुल स्टेट है पूरे हिंदुस्तान के। तो श्रोमणी कमेटी माफीनामे के उत्ते एडवर्टीजमेंट कर रही है। जो मान जो गवर्नर साहब वालों 196 CRPC के तहत सेंक्शन दे दिता जाता है, उस तो बाद की एक थानेदार की हिम्मत है सर कि वह मुकदमा कैंसिल कर दे। तफ्तीश मैं की सर, तफ्तीश मैं की। इस केस के एक दिन यह होना है 20 साल बाद 25 साल बाद फलाने नू बाइज्जत बरी कर दिता गया, फलाने नू बाइज्जत बरी कर दिता। मानजोग स्पीकर साहब, जो बेअदबी हुई सी तो प्रोटेस्ट होया सी, साढ़े कोल जिहड़ी तफ्तीश सी प्रोटेस्ट दी सी गोलीबारी दी सी बावल कलां अते कोट कपूरा। स्पीकर साहब, प्रोटेस्ट दा कारण की सी जेकर असी गल करिए, ऑन रिकॉर्ड गल करिए, सरदार त्रिलोचन सिंह जी राज्यसभा दे मैंबर सन, वो गवाह बने सीगे और मैनू उन्होंने बयान दिता सी। उन्होंने कहा कि कोई भी जो पार्डन दा कागज सीगा, जो माफीनामा सीगा, उदों नहीं दिता गया। 24 सितंबर 2015 नू माफी दिती गई सी, 24 सितंबर 2015। उन्होंने कहा कि यह माफीनामा 2007 दे विच स्वामी अग्निवेश जी ने दिल्ली पंजाब पहुँच दे विच बैक है, सारिया ने बैक है उन्हों ड्राफ्ट किया सी, और वो 2007 दे विच वो लेके गए सीगे। उसे माफीनामे दे उत्ते 2015 दे विच माफी दिती गई। मानजोग स्पीकर साहब, एक व्यक्ति नू तनखैया करार दिता गया है श्री अकाल तख्त साहिब वालों। हर पासे देखो उस मुद्दे दे उत्ते चर्चा हो रही है, तनखैया क्यों करार दिता गया। उस व्यक्ति का दोष है बेअदबी कराउन दे विच, और जदों बेअदबी हो गई तो इन्वेस्टिगेशन तो हो सकता सी। इन्वेस्टिगेशन की कराउणगे, उन्होंने शांतिपूर्वक तुहाडे हल्के दी गल है कोट कपूरा दे विच ते नाल ही बहबल कला दे विच गोली चलवाई गई, हजारों की संख्या दे विच लोकी इंजर्ड होए, दो व्यक्ति शहीद हो गए। मानजोग स्पीकर साहब, जो माफीनामा दिता गया सी SGPC दे खाते तो करोड़ रुपए तो वध पैसा लगा के उहदा एडवर्टीजमेंट किया गया सी, 92 लाख कि असी बहुत वधिया किया, बहुत वधिया किया। असी बोलते हाँ कि पंजाब एक सिख बहुल स्टेट है पूरे हिंदुस्तान दे विच, तो श्रोमणी कमेटी माफीनामे दे उत्ते एडवर्टीजमेंट कर रही है ये देखो, और वो सरकार करवा रही है, जिस सरकार दे उत्ते, जिस सरकार दे हाथ दे विच SGPC दी बागडोर सीगी। मानजोग स्पीकर साहब, वो माफ़ी मांग रहे हैं, 262 नंबर मुकदमा है 2007 का बठिंडा सिटी का, जो स्वांग रचन का केस सी, गुरु गोबिंद सिंह जी का स्वांग रचिया गया सी। 30 जनवरी 2012 नू इलैक्शन सीगा, जनरल इलैक्शन, और 5 दिन पहला वो मुकदमा कैंसिल कराया जा रहा है। मानजोग स्पीकर साहब, अफसर साहिबान भी बैठे ने इस सदन के बीच, पत्रकार साहिबान भी बैठे ने। जो मानजोग गवर्नर साहब वालों 196 CRPC के तहत सेंक्शन दे दिता जाता है, उस तो बाद की एक थानेदार की हिम्मत है सर कि वह मुकदमा कैंसिल कर दे। तफ्तीश मैं की सर, तफ्तीश मैं की। कारण की सीगा उस केस नू खारिज कराऊंगा क्योंकि कैप्टन साहब देखो इस हाउस के बीच बैठने के काबिल नहीं रहे, तो दूसरे इन्हों की सांझ हो गई सी। आज भी मैं बोलता हाँ सर कि जो रिपोर्ट खारिज हुई है पैरावाइज, हूँ तो वो किसी भी कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा ना सर, तो इस सदन के विच तुसी उस रिपोर्ट नू मंगाओ, पुलिस हैडक्वार्टर के विच मौजूद है, अदालत दे विच मौजूद है, लेकिन वह हूँ रिकॉर्ड रूम के विच है। पैरावाइज असी चर्चा करते हाँ सर, सारा भेद खुल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किस पास है, किस दी की करतूत है सर।
तो 262 नंबर मुकदमा 2007 मुख्यमंत्री साहब नहीं हैं, तुसी बखरे तौर पर इनकुआरी करवा दो कि किन्ना हालातों के उस मुकदमे नूं कैंसल किया गया। सर छोटी सी गल है सर, एम एस जी टू एक मूवी सी 25 सितंबर नूं रिलीज कराई गई सी 2015 के, तो 7 दिन बाद रिलीज हो रही है सिंह इज बलिंग अक्षय कुमार वाली फिल्म। तो इस फिल्म के उत्ते सिख संगत ने विरोधता जाहिर की सी, तो कहना हालातों के पुलिस प्रोटैक्शन के दोवें मूवीज़ नूं रिलीज करवाया गया। जदों प्रोटेस्ट होया और गोलीबारी हुई उस तो इमेडिएट पहला यह सारा कुछ होया सी सर, यही कारण सीगा कि प्रोटेस्ट होया सी। तो मेन कारण प्रोटेस्ट का यही सी कि पहला माफीनामा, दूसरा MSG 2 का रिलीज, सिंह इज बलिंग का रिलीज, अते तीसरा माफीनामा। सर ठीक है, माफीनामा मैं दोबारा बोलता हूँ, प्रोटेस्ट का कारण एक तो हो गया बेअदबी, दूसरा हो गया सिंह इज बलिंग अते MSG 2 का रिलीज जो कि सिख संगत दीयां भावनावां के खिलाफ जाके होया, और तीसरा जो माफीनामा दिता गया। अपना टाइम हो गया सर, एक सेकंड मैं लवांगा। SIT की गल हुंदी है, 5 मैंबरी कमेटी सी, बाजवा साहब ने भी कल एक अफसर की तारीफ की सर, वो अफसर कोई तफ्तीश नहीं करता सर, ऑन रिकॉर्ड है। तुसी पूरी SIT की कार्रवाई मंगा लो, केस डायरी लिखी जाती है जिसनों पंजाबी दे विच असीं जिमनी बोलते हैं, जो केस डायरी लिखी जाती है वो केस डायरी ही तफ्तीश का हिस्सा बनती है कि प्रबोध कुमार जी ने एक भी केस डायरी लिखी है। अपने आप नूं बोलते सी कि मैं तो सिट का मुखी हाँ, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है सर, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, जेकर होवे तो कोई लिया के इत्थे सदन दे विच दिखा दे। उस व्यक्ति ने, उस अफसर ने एक भी केस डायरी नहीं लिखी है, जेकर लिखी हो तो इत्थे लिया के रख दिता जाए सर। नंबर टू अरुण पाल सिंह, उन्होंने भी जेकर कोई केस डायरी एक भी जिमनी लिखी हो तो इस हाउस के सर लिया के दिखा दिता जाए। नंबर 3 तो मैं सीगा सर कुंवर विजय प्रताप सिंह, मैं जरूरत की केस डायरी लिखन की, मैं केस डायरी लिखी सर, कहा गया कि देखो दो अफसरों इन्होंने बाईपास किया, लिखना चाहिए सी उन्हां लोकां, जेकर मैं भी छड़ दिंदा तो केस डायरी कौन लिखता, तफ्तीश कौन करता, किस तरीके दे नाल तफ्तीश होंगी। तो इस चीज़ की भी इनकुआरी कराओ, तुसी तुहाडी चेयर दे विच बहुत पावर है कि प्रमोद कुमार और अरुण पाल सिंह ने एक भी केस डायरी क्यों नहीं लिखी, किन्ना हालातों के नहीं लिखी, तो किस नूं बचाउण वास्ते नहीं लिखी सर। SIT उस तो बाद बनी जो मैं नौकरी छड़ दी, तो जो SIT पहला बनी हुई सी कैप्टन साहब वालों मेरी नौकरी छड़न तो बाद, दो SIT बनाई गई, एक SIT कोट कपूरा वाली, उन्होंने केस नूं रफा दफा कर दिता सर, दूसरी SIT बनी बाबल कलां वाली, बाबल कलां केस सर वो ट्रांसफर होकर फरीदकोट की मानजोग जिला अदालत तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ के विच आ गया है सर। असी हर अदालत की प्रेस्टिज के उत्ते, हर अदालत की मान के उत्ते मान महसूस करते हैं, लेकिन सर तुसी देखो जो गवाह अपने पिंड तो चल के फरीदकोट जिला हेडक्वार्टर ते नहीं आ सकते सी, असी पिंडा दे विच जाके बयान लिखते सी कि वो गवाह चंडीगढ़ दे विच आउणगे गवाही देने वास्ते, वो भी सर 2015 का मसला है और 2024 हो गया, 25 तो हो सकता है कि चार्ज फ्रेम हो जाए तो उहदी कार्रवाई कोर्ट दे विच शुरू होवे, तो कि 10 साल बाद, पहला तो यही देखना है कि किन्ने गवाह इस वेले लाइव ने, किन्ने गवाह इस मुल्क दे विच मौजूद ने, कई तो बाहर चले गए पैसे पुसे दे के सर दोषियों ने, दोषी बहुत ताकतवर ने बाहर भेज दिता गया। तो इस केस दे विच एक दिन यह होना है 20 साल बाद 25 साल बाद कि फलाने नू बाइज्जत बरी कर दिता गया, फलाने नू बाइज्जत बरी कर दिता गया, लेकिन एक अदालत उपर भी है सर, गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत, उस अदालत तो बरी होना बहुत मुश्किल का काम है सर, बहुत मुश्किल का काम है, और उत्थे रोजाना तौर पर सुनवाई चल रही है सर। एक होर बहुत इंपॉर्टेंट गल है सर, बहुत इंपॉर्टेंट गल, मैं रिजाइन कर दिता सर, तुसी देखोगे मीडिया नू इस चीज़ पर रोक दिता गया, मीडिया नू काबू किया गया, मेरे मीडिया के भरा भी बैठे हुए हैं, प्रशांत किशोर उदो आए थे सर 1 मार्च 2021
कांग्रेस पार्टी के नाल जां तुसी कहो कैप्टन अमरिंदर सिंह दा चीफ एडवाइजर बन गए। 17 दे विच भी आए सीगे कॉफी विथ कैप्टन, गुटका साहिब ते हाथ रख के इंसाफ दिलावांगे, लेकिन 5 अगस्त 2021 नूं रिजाइन करके चले गए। किन्ना हालातों के रिजाइन करके गए किसे मीडिया के गल नहीं आई, चले गए ये तो आ गया हर थान, लेकिन किसी ने उसकी एनालिसिस नहीं की कि क्यों चले गए। आज इंडिया के सब तो बड़े चोन रणनीतिकार इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट बनते हैं, लेकिन वो क्यों चले गए प्रशांत किशोर जी रिजाइन करके, इस दे उत्ते भी चर्चा होनी लाजमी है सर पंजाब दे विच। और खास करके तुसी देखो जो शहीदां दी धरती है, शहीदां दी धरती है सर, और उत्थे सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है सर, भावनावां दे नाल खिलवाड़, धार्मिक भावनावां दे नाल खिलवाड़ हो रहा है। कोई एक इलेक्शन जीत के, दो इलेक्शन जीत के, लेकिन इस मुल्क नूं, इस पंजाब नूं बर्बाद किया जा रहा है सर। 18 सितंबर 2021 नूं कैप्टन साहब नूं भी जाना पै गया सर, लिस्ट लंबी है सर, ठीक, लेकिन आपां सर शेरो सारी बहुत हुंदी है सदन दे विच, दो लाइन मेरे वालों ही सुन लो, मैनू लगता है कि तुसी पसंद करोगे, शेरो सारी नहीं है सर, ये देश देश नहीं होता अगर पिता दशमेश नहीं, क्या बात, ये देश देश, देश नहीं होता अगर पिता दशमेश नहीं होता। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह सोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह सोर से बोला, रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी बारंबार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। वाहिगुरु।